कोरोना से लेकर के हर बीमारी को मात दीजिए। ये जिंदगी की जंग है, कोरोना की जंग है। रोग कितने भयंकर हो, इस जंग में हमें जीतना है। चारों ओर से बीमारियां, बुराइयां, शत्रु घात लगाए बैठे हैं, उन सबको हमें हराना है। तो योग को हमें अपनाना है। इसलिए योग के रंग स्वामी रामदेव के संग, इंडिया टीवी के संग आप मंडूकासन, शशकासन जुटे रहना है और कोरोना को भी हराएंगे। अब एक दो बातें और बता देता हूँ। जिनको डायबिटीज है वो खीरा करेला टमाटर का जूस पिए, वो मधुनाशिनी मधु घृत लें। जिनको बीपी है मुक्तावटी और बीपी घृत ले लें। हार्ट की प्रॉब्लम है हृदय अमृत अर्जुन की छाल पी लें। और ओबेसिटी है तो थोड़ा लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी का सेवन कर लें। गोधन अर्क आदि का भी हम सेवन बताते हैं। खैर, मंडूकासन, शशकासन। अच्छा स्वामी जी, और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है योग मुद्रा आसन भी करके। जी स्वामी जी, मौसम बदल रहा है और कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए बदलता मौसम बीमार करने वाला होता है, हम ऐसा जानते हैं। तो क्या कोविड के केस बढ़ने की ये भी एक वजह हो सकती है क्या? पक्की वजह है। जब मौसम जो है परिवर्तित होता है तो पूर्व ऋतु के संचित दोष उनको बोलते हैं। ऐसे में ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या पर बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वात पित्त कफ जो मौसम चेंज होता है तो वो दोष प्रकोपित हो जाते हैं। इसलिए इस समय शुद्धिकरण करना भी जरूरी है, थोड़ा उपवास करना भी जरूरी है और खाने पीने में ध्यान रखना भी जरूरी है। और ये नहीं तो ये बदलता हुआ मौसम हमें कई बीमारियों की चपेट में ले लेता है। इसलिए आज हम जो योगाभ्यास बता रहे हैं उसके साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं सबको कि अपने अपने अभ्यास करते करते ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। एक अभी जैसे जैसे ये सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है तो एकदम से लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं, एकदम से लोग फिर वापस वो फास्ट फूड, वही जंक फूड, पुराने ढर्रे पर मैंने कहा आ जाते हैं, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। नहीं, इस ऋतु परिवर्तन के समय आहार पर संयम बहुत जरूरी है। 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, 1 घंटे का योगाभ्यास और सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाना बहुत जरूरी है। कोई बहाना ना बनाए, योग को जरूर अपनाएं और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार आहार का चयन करें। अपनी आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या अपने त्रिदोष के अनुसार अपना पूरा एक खान पान का एक डिसिप्लिन बना करके रखें। तो मैं कह रहा था जिनको जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा संभावना है तो वे लोग ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी जरूर करें। डायबिटीज, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम वाले सबके लिए समान रूप से उपयोगी है पवन मुक्तासन। अभी बीपी के लिए स्पेशल भी शीतरी शीतकारी भी बताएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन 1-1 मिनट से शुरू करके और हम 5 मिनट तक करवा देते हैं और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। हम तो यहाँ 7 दिन में बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाइयाँ बंद करके उनको ठीक करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर धीरे धीरे नौकासन भी कर पाएंगे। और जिनमें सामर्थ्य होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो उनसे पादांगुष्ठन, आसन, प्रशासन भी करवा देते हैं। थोड़ा इसमें वक्त लगता है। अच्छा स्वामी जी, फ्लेक्सिबिलिटी पर ही हो पाता है। और ये सेतु बंधासन और ये समय के साथ साथ हमने कोरोना के बारे में थोड़ा और जाना है और जो नई रिसर्च आ रही है वो ये बता रही है कि कोरोना का वायरस पैंक्रियाज के टिश्यूज पर अटैक कर रहा है। ऐसे में पैनक्रियाज को मजबूत बनाने के लिए कुछ योगाभ्यास बता दीजिए। अभी जो हमने मंडूकासन से शुरू करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अब ये जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन हमने बताए, ये पैनक्रियाज के लिए ही सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। और ये सब करवा करके हमने लोगों के पैनक्रियाज को जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी कर लें। ये पैनक्रियाज के लिए रामबाण है। आप में से कितने लोगों को शुगर थी और उन्होंने पैनक्रियाज को रहा, एक बार हाथ खड़े करना। जिनको शुगर थी और फिर भी पैनक्रियाज जो को एक्टिवेट करके और फाइट किया और कोरोना को हरा दिया, तो दो तो उधर सामने बैठे हैं। कितनी उम्र है बाबा जी? 76 साल की उम्र है। और मुझे शुगर थी, बीपी था, शुगर जो है 274 मेरा हाईएस्ट था
और 100 और कितने दिन में कोरोना ठीक किया? कोरोना मैंने ठीक किया जी 4 दिन में। 4 दिन में जोरदार है, और 76 साल की उम्र है। 4 दिन में ठीक किया जी। बूढ़े नहीं बच पाएंगे, पेनक्रियाज के ऊपर अटैक होगा, पेनक्रियाज को भी प्रोटेक्ट किया और 76 साल में हरा दिया जी। और दूसरे क्या नाम है तुमको, कितना था शुगर? मेरे को शुगर 150 था जी। अच्छा, और बीपी भी था? बीपी भी था। हाँ जी, 1 हफ्ते के अंदर ही कैलोरीन खाया और आंवला एलोवेरा जूस पिया, उसे आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी जूस पिया, साथ में ठीक हो गए। तेरे को भी तो था शुगर, इसको देना भाई, ये लो इधर आओ। अब तो सबको स्वामी जी सारे मजबूत बहन आयुर्वेदिक उपाय जो है याद हो गए, और लोगों को अपने आस पड़ोस के लोगों को लोग बताते हैं। क्या क्या लिया था? आंवला और गिलोय का जूस। आंवला और गिलोय का जूस पिया, कोरोना हरा दिया। कितने दिन में? 3 दिन में हरा दिया। तो आप जो बोल रहे थे कि नई रिसर्च आ रही है कि पेनक्रिया जितना वीक होगा उतना ज्यादा अटैक होता, तो इसने आंवला एलोवेरा गिलोय पिया और प्राणायाम किया और 3 दिन में हरा दिया। और अब कोई अब क्या है शुगर का? शुगर है 160 है। और यहाँ भी कितने दिन हो गए? सेकेंड डे। अब इसकी गोली छुड़ा के और भेजनी है स्वामी जी, लेकिन अभी बहुत से लोगों की गोली छुड़वानी है। और जो अगला विषय मैं शामिल करने जा रहा हूँ इसमें, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ही है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं स्वामी जी, उनके लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है, हमने देखा ये पहले के वक्त में भी। तो अब ऐसे केस और देखे जा रहे हैं जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी, लेकिन कोरोना होने के बाद वो डायबिटिक हो गए। ये एक नई चीज इसमें जुड़ रही है कि पहले डायबिटीज नहीं थी लेकिन कोरोना हुआ, उसके बाद जब ठीक हुए, कोरोना तो खत्म हो गया लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर वो डायबिटिक हो गए। तो इससे कैसे बचाया जाए? जैसे आपने हमारी बेगम साहिबा को सुना कि उनको स्वाद चला गया था, गंध चला गया था, ऐसे बहुत लोगों को कोरोना के बाद डायबिटीज हुई है, बहुत लोगों को हाई बीपी हुआ है, और बहुत लोगों को कोरोना के बाद लंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लंग में लंप्स हो रहे हैं, लंग फाइब्रोसिस हो रहा है लोगों के, किसी के 60-70-80-90% तक लंग डैमेज करके चला गया। अब ये सारा जो कबाड़ा करके चला गया, जैसे कोई आंधी और तूफान आता है और पीछे से सारी तबाही करके चला जाता है, ऐसे जिनके घरों में, जिनके शरीर में कोरोना ने तबाही मचाई है, वे 5 प्राणायाम जरूर करें। ये बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, काली मिर्चा बंद कर दें, काढ़े के अंदर गिलोय लें, तुलसी लें, हल्दी लें, थोड़ा सा अदरक कम मात्रा में, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा अर्जुन की छाल, और यदि किसी को इसके बाद टाइफाइड हो जाता है तो वापस आज हम ये चीज़ें बताने जा रहे हैं। ये देखो, ये है मुनक्का, अंजीर और खूब कला, इसको पीस लेते हैं सिलबट्टे के ऊपर और इसको पिला देते हैं, तो 3 दिन से 7 दिन के अंदर 100% टाइफाइड भी अच्छा हो जाता है। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, 5 प्राणायाम तो कभी ना छोड़े, भस्त्रिका, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, 3 से 5 मिनट भस्त्रिका करें, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत ओम 5-5 बार, शीतली शीतकारी जिनको हाई बीपी है, शीतली जीवा बाहर निकाल के धीरे धीरे श्वास भरना छोड़ रहा है, शीतकारी, और जिनको थायराइड की भी प्रॉब्लम है तो उज्जाई कर ले, अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।